सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ बेल आइकन दबाना ना। आज किसान नेता राजेश पायलट की 20वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर दौसा के भंडाना स्थित स्मारक पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विश्वेंद्र सिंह, परसादी लाल मीणा, ममता भूपेश भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे और सभी ने सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए स्वर्गीय राजेश पायलट को याद किया। आज के दिन न सिर्फ दौसा, पूरा देश उस महान शख्सियत को याद कर रहा होगा, उनकी विचारधारा को, जो उनकी सोच थी इस देश के गरीब और किसानों के लिए। हमारे लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई थी उस दिन जिस दिन वो हमें छोड़ के गए। आज भारत आगे बढ़ रहा है। सम्मानीय नेता थे और दौसा का उनका चोली दामन का साथ था और उनको बहुत ही सारी जनता याद करती है। बहुत महान नेता थे, दौसा के विकास के पुरुष थे, दौसा के लिए एक तरह से वो वरदान थे। जो उन्होंने कह दिया वो काम दौसा में हुआ। राजेश पायलट जी एक ऐसे नेता थे जिन्हें जन नेता कहा जाता है, जो जनता के जनमानस में इतने वर्षों बाद भी उन्होंने आज अपनी एक ऐसी छवि यहाँ पर लोगों के मन में बना रखी है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर राजेश पायलट जी के पास कोई भी अपनी समस्या लेकर के जाए तो निश्चित रूप से उसका समाधान यूँ कहे कि निश्चित था। वो एक किसान नेता के रूप में उनकी पूरे भारत देश में पहचान थी, पूरे हर गांव और हर जिले क्या पूरे इंडिया में राजेश पायलट जी का एक नाम था और किसान नेता के रूप में उन्हें भारत देश जानता था। और हर किसान कोई जाति धर्म से नहीं है, बल्कि हर गांव का व्यक्ति, हर किसान व्यक्ति ये चाहता था कि हाँ भाई हमारे नेता राजेश पायलट जी हैं। सदैव किसान हितैषी नेता रहे हैं, किसानों के हितों की चिंता की है। आज उनकी 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जिले भर से लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं और मैं भी उसी कड़ी में यहाँ श्रद्धांजलि राजेश पायलट जी को देने आया हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में